रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बिना टांगों के नक्सलियों के गढ़ में कोहराम मचाने के लिए फिर तैयार हुआ सीआरपीएफ का शेर। करीब 21 महीनों तक नक्सलियों के सिर पर काल बनकर मंडराने वाला सीआरपीएफ का शेर जल्द ही छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक बार फिर वापसी करने वाला है। रायपुर के हॉस्पिटल में देर रात मेरे पैरों का ऑपरेशन हुआ, जिसमें मेरी टांगों को मुझसे जुदा कर दिया गया। नई दिल्ली, छत्तीसगढ़ के जंगलों में सक्रिय नक्सलियों के लिए बुरी खबर है। करीब 21 महीनों तक नक्सलियों के सिर पर काल बनकर मंडराने वाला सीआरपीएफ का शेर जल्द ही छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक बार फिर वापसी करने वाला है। 6 महीने पहले हुए लैंडमाइन ब्लास्ट ने भले ही सीआरपीएफ के इस शेर से उसकी टांगों को छीन लिया हो, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के बदौलत वे एक बार फिर अपने पैरों कृत्रिम पर खड़ा होने में कामयाब हो गया है। सीआरपीएफ का यह घायल शेर जल्द ही जंगल में खुद की वापसी करने वाला है। जंगल में वापसी के बाद वे खुद से बेहतर सैकड़ों शेरों को तैयार करने के मिशन में जुट जाएगा। सीआरपीएफ के नए शेरों को वे हर दांव पे सिखाएगा, जिनकी मदद से वे लगातार नक्सलियों को मात देता आया है। दरअसल हम सीआरपीएफ के जिस घायल शेर की बात कर रहे हैं, उसका नाम कोबरा कमांडो रामदास है। जांबाज कोबरा कमांडो रामदास की गिनती सीआरपीएफ के चुनिंदा कमांडोज में होती है। आइए आज हम आपको जांबाज कोबरा कमांडो की जिंदगी से जुड़े अतीत के कुछ पनों से रूबरू कराते हैं। 6 महीने पहले हुए लैंडमाइन ब्लास्ट ने सीआरपीएफ के इस शेर से उसकी टांगों को छीन लिया था। कमांडो रामदास की बाज सी निगाह, चीते सी फुर्ती और अचूक निशाने का सीआरपीएफ में हर कोई कायल था। कमांडो रामदास के इसी हुनर को देखते हुए करीब 2.5 साल पहले सीआरपीएफ मुख्यालय ने उसका तबादला जम्मू कश्मीर से छत्तीसगढ़ के जंगलों में कर दिया गया था। सीआरपीएफ मुख्यालय कमांडो रामदास के इस हुनर का इस्तेमाल नक्सलियों के सफाये में करना चाहता था। 20 फरवरी 2016 को कमांडो रामदास ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मोर्चा ले रही सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो टीम को ज्वाइन कर किया। ज्वाइनिंग के साथ कमांडो रामदास नक्सलियों के ऊपर कहर बनकर टूटे पड़े थे। बीते 2.5 सालों में कमांडो रामदास ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें नक्सलियों को भारी जान और माल का नुकसान उठाना पड़ा। कमांडो रामदास का खौफ इस कदर नक्सलियों के दिलों दिमाग में छा चुका था कि वे किसी भी कीमत में कमांडो रामदास को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। सीआरपीएफ के इस शेर को अपना निशाना बनाने के लिए नक्सली लगातार जाल बिछाते रहे, लेकिन कमांडो रामदास की सूझबूझ के चलते हर बार नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ती थी। दुर्भाग्य से एक दिन ऐसा भी आया जब सीआरपीएफ का यह शेर चूक गया। यह वाक्या करीब 6 महीने पहले छत्तीसगढ़ के किस्तराम और पलोड़ी के जंगलों में हुआ। 20 फरवरी 2016 को कमांडो रामदास ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मोर्चा ले रही सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो टीम को ज्वाइन कर किया। आगे की कहानी कमांडो रामदास की जुबानी। कमांडो रामदास बताते हैं, 29 नवंबर 2016 का तारीख मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है। मेरी तैनाती सीआरपीएफ की 208 कोबरा बटालियन में थी। सुबह करीब 8:45 बजे टीम कमांडर ने हमें बताया कि किस्तराम और पलोड़ी के जंगलों में नक्सलियों के गतिविधियों की सूचना मिली है। यह जानकारी मिलते ही सीआरपीएफ की एक कंपनी को जंगल में तलाशी अभियान के तहत रवाना किया गया। 135 कमांडोज की इस कंपनी सुबह करीब 9 बजे सीआरपीएफ एम से जंगलों के लिए रवाना हो गई। हम लोग दोपहर करीब 1 बजे तक जंगल को खंगालते रहे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिसके बाद हमने कैंप ऑफिस लौटने का फैसला किया। हम जंगल का लगभग पूरा रास्ता पार कर चुके थे। महज 30 मीटर की दूरी पर हमें मुख्य सड़क नजर आने लगी थी। मैं अपने कंपनी में सबसे आगे चल रहा था। छत्तीसगढ़ में रहते हुए मुझे इस बात का अच्छे से पता एहसास हो गया था कि नक्सलियों का सबसे कारगर हथियार लैंडमाइन बन चुका है। मैंने अपने इसी एहसास के चलते अपने साथियों से कुछ दूरी बना रखी थी, जिससे कोई हादसा भी हो तब भी मेरे साथियों को कोई खरोंच न आए। मेरे मन अंदेशा 29 नवंबर को सच साबित हुआ। दोपहर करीब 1:30 बजे मेरा पैर अचानक सूखे पत्तों के ढेर पर पड़ा। मेरा पैर जमीन में लगते ही एक जोरदार धमाका हुआ। मैं कई फुट उछलता हुआ दूर जा गिरा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय मैं पूरी तरह से होशोहवास में था। मेरे पैरों से लगातार खून बह रहा था। मेरे साथियों ने तत्काल मेरे पैरों की प्राथमिक चिकित्सा की। कुछ साथी दौड़कर एक ट्रैक्टर लेकर आए, जिससे मुझे सीआरपीएफ कैंप ले जाया गया। सीआरपीएफ कैंप में मौजूद साथी मेरे पैर से बह रहे खून को रोकने की कोशिश करते रहे।
करीब 40 मिनट के अंतराल में हेलीकॉप्टर पहुंच गया, जिससे मुझे रायपुर के श्री नारायण हॉस्पिटल लाया गया। ज्वाइनिंग के साथ कमांडो रामदास नक्सलियों के ऊपर कहर बनकर टूटे पड़े थे। खत्म हुआ मेरे साथ मेरी टांगों का सफर। अपनी टांगों में मौजूद जख्म को देखकर अंदाजा लगा चुका था कि मेरे साथ मेरी टांगों का सफर यहीं खत्म होने वाला है। रायपुर के हॉस्पिटल में देर रात मेरे पैरों का ऑपरेशन हुआ, जिसमें मेरी टांगों को मुझसे जुदा कर दिया गया। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मेरी पहली निगाह मेरे पैरों की तरफ गई, जहां सिर्फ जांग का कुछ हिस्सा बचा था। उसके नीचे का पूरा हिस्सा अब मैं गंवा चुका था। उस वक्त मेरे जेहन में बार बार एक ही सवाल कौंध रहा था कि अब मैं टांगों के बिना नक्सलियों का खात्मा कैसे करूंगा। मेरा यही सवाल मेरे आत्मविश्वास को कमजोर किए जा रहा था। इस दौरान मेरे सीओ, कमांडिंग ऑफिसर और मेरी बटालियन के साथियों ने मेरे मनोबल को एक बार फिर मजबूत किया। मेरे साहबान और साथियों की बातों से मेरा आत्मविश्वास एक बार फिर पूरी तरह से मजबूत हो चुका था। इसी आत्मविश्वास का नतीजा था कि मैं महज 3 दिनों में आईसीयू से निकलकर प्राइवेट वार्ड में पहुंच गया था। 2 महीनों के इंतजार के बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जिसके बाद मैं अपने बटालियन हेडक वार्डर चला गया। किस्तराम और पलोड़ी के जंगलों में नक्सलियों के गतिविधियों की सूचना मिलने पर सर्च ऑपरेशन पर निकली थी CRPF की टीम। साहब ने कहा अब ऑफिस में काम करना। मैं बोला नहीं, मुझे जंगल में जाना है। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद मैं अपने बटालियन हेडक वाटर चला गया, जहां मेरे साथियों ने मेरा स्वागत किसी हीरो की तरह किया। करीब 2 महीने तक मैं अपने सेक्टर हेडक वाटर में रहा। यहां मैं सबका चहेता बन चुका था। 2 अप्रैल को मेरे पैरों में नई टांगे कृत्रिम लगा दी गई। डॉक्टर साहब ने कहा नई टांगों के साथ ठीक तरह से चलने में 4 महीने का समय लग जाएगा। ये तो मेरे साथियों की मेहनत थी कि 4 महीने की प्रैक्टिस उन्होंने मुझे 1 महीने में ही कर दी थी। महज 1 महीने में मैं अपनी नई टांगों पर चलने लगा था, जिसके बाद मैं फोर्स हेडक वाटर चला आया। एक दिन बड़े साहब बोले तुमने फौज के लिए बहुत किया है, अब हमारे साथ आप इसमें रहना। मैं बोला साहब मैंने अपनी टांगे 208 को ब्रा बटालियन में गवाई है, अब मैं पूरी जिंदगी 208 को ब्रा बटालियन के साथ जंगलों में रहूंगा। मैंने उनसे कहा कि मैं नक्सलियों के दिमाग को पढ़ सकता हूं, उनकी षड्यंत्र को विफल करने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर सकता हूं, बटालियन में आने वाले नए कमांडो को अपने से बेहतर तैयार कर सकता हूं। मेरी बात सुनकर साहब थोड़ा मुस्कुराए, फख्र के साथ मेरी तरफ देखते हुए बोले ठीक है, पहले जाओ अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताओ। जिसके बाद मैं अपने पैतृक घर महाराष्ट्र आ गया। अब मैं जंगल में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हो गया हूं। जल्द ही नक्सलियों को सबक सिखाने के लिए जंगल की तरफ एक बार फिर अपना रुख करूंगा।